नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिस्ट्री कक्षा 11th आज का अपना टॉपिक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एम होमो में अंतर। तो प्यारे बच्चों, आज अपने जो मानव का कर्मिक विकास हुआ उसमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो नाम की जो प्रजाति है, यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के मानव थे और होमो नाम की प्रजाति के जो मानव थे, उनके अंतर को आज अपने समझेंगे। तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में अपने चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी इसका जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और होमो का मस्तिष्क क्या होता है, छोटा होता है। यानी ये जो मानव है इसका मस्तिष्क क्या होता है, बड़ा होता है। और होमो नाम का जो मानव था उसका मस्तिष्क क्या होता था, छोटा होता था। इनके जबड़े भारी होते थे और इनके जबड़े क्या होते थे, हल्के होते थे। इसके बाद में इनके दांत क्या होते थे, बड़े होते थे। इनके दांत क्या होते थे, छोटे होते थे। हाथों की दक्षता इनकी सीमित थी, हाथों की दक्षता क्या थी, सीमित थी। इनकी क्या थी, असीमित थी। इनकी हाथों की जो क्षमता थी वो असीमित थी। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी, यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था वो सीधे खड़े होकर नहीं चल पाता था। ठीक है, ये सीधे पैरों के बल खड़े होकर चल सकता था। इसके बाद में ये अपना अधिक समय पेड़ों पर गुजारते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, पेड़ों पर रहते थे। ठीक है, इस प्रकार यानी ये इनकी शारीरिक जो अंतर पाया जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव में और होमो नाम के मानव में, इनका मस्तिष्क बड़ा होता, इनका छोटा होता था, जबड़े भारी, इनके हल्के, दांत बड़े, इनके छोटे, हाथों की दक्षता सीमित, इनकी हाथों की दक्षता असीमित थी। सीधे खड़े होकर ये पैरों के बल नहीं चल पाते थे, ये सीधे खड़े होकर पैरों के बल चल पाते थे। इनका आवास है जो पेड़ों पर होता था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है होमो नाम का जो मानव था, इसकी दो प्रजाति थी। एक तो थी होमिनिड और दूसरी क्या थी, होमिनाइड। यानी एक तो क्या थी, होमोनिड थी और दूसरी क्या थी, होमोनाइड। अब अपने होमो नाम का जो मानव था उसकी जो दो प्रजातियां थी, एक तो थी होमिनाइड और दूसरी थी होमिनिड। तो अपने होमिनाइड और होमिनिड के बारे में चर्चा करेंगे। होमोनिड जो मानव था यह बंदरों से कई तरह से भिन्न होता था, यानी यह बंदरों से कई प्रकार से भिन्न था, बंदरों से भिन्न प्रकार की प्रजाति थी।
जो होमोनिड नाम का मानव था वो क्या है, बंदरों से अलग दिखता था, इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था, ठीक है, इनसे क्या है बंदरों से बड़ा शरीर होता था, और इनके क्या होती थी, पूंछ नहीं होती थी, पूंछ नहीं होती थी, ये इसकी होमिनाइड मानव की विशेषता थी। होमिनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न थे, इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था, पूंछ नहीं होती थी, होमिनाइडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती थी। इसके बाद लेते हैं अपने होमिनिड, होमिनिड जो मानव था उसके बारे में पढ़ते हैं। होमिनिड नामक परिवार के सदस्य होते थे, इस परिवार से सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं, यानी इसमें क्या है जो मानव प्राणी यानी मानव जैसे दिखाई देते थे वो इस समूह में शामिल होते थे। इनके परिवार के सदस्य सभी रूपों के अंदर मानव प्राणी ही थे, और इनके मस्तिष्क का आकार क्या होता था, बड़ा होता था। जो होमिनिड थे इनके मस्तिष्क का आकार कैसा होता था, बड़ा होता था। इनके पास पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता भी थी, ये दो पैरों के बल भी चल सकते थे। इनके हाथों में विशेष क्षमता थी जिससे ये औजार भी बना लेते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। यानी ये थे, इनका मस्तिष्क बड़ा होता था और ये सीधे अपने पैरों के बल खड़े होकर, होमिनिड नामक जो प्राणी थे वो चल सकते थे, ये अब औजारों का भी निर्माण कर लेते थे और उनका इस्तेमाल करने का भी इनको तरीका था। अब अपने पढ़ते हैं जो होमिनिड थे इनका उद्भव कहाँ हुआ। इसके दो प्रमाण हैं कि जो होमिनिड है इनका जो उद्भव था वो कहाँ हुआ, अफ्रीका के अंदर, कहाँ हुआ, अफ्रीका के अंदर इनका उद्भव हुआ। इसके दो प्रमाण मिलते हैं। पहला प्रमाण है अफ्रीकी वानरों जिनको एप कहा जाता है, एप नाम का वह समूह है, उनसे क्या है ये होमिनिड काफी मिलते जुलते हैं। यानी वहां पे जो अफ्रीकी वानर है, ठीक है, अफ्रीकी वानर हैं, उनके साथ क्या है इनका काफी जो मेलजोल है, बहुत गहराई से इनके साथ जुड़े हुए हैं। देखने में ये अफ्रीकी वानरों जैसे लगते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो होमिनिड मानव है उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, उनका उद्भव, उनका विकास कहाँ से हुआ, अफ्रीका से माना जाता है। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म, इसके अलावा जो जीवाश्म मिले, सबसे प्राचीन जो जीवाश्म है उनके अध्ययन से पता चलता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश जिन्स से हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे, और अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म इतने पुराने नहीं हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो होमिनिड नाम का मानव था उसका उद्भव कहाँ हुआ, अफ्रीका के अंदर हुआ था। होमिनिड इनका होमोनाइडों की तुलना में मस्तिष्क छोटा होता है, ये सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते हैं, इनके हाथ विशेष किस्म के होते हैं जिसके सहारे ये हथियार बना सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इनकी उत्पत्ति लगभग क्या है 56 लाख वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति है जो मानी जाती है। यानी इनकी उत्पत्ति कब हुई, 56 लाख वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति है जो मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना जो आदि मानव था, मानव की ही प्रजाति, जो प्रारंभिक मानव था, आदि मानव, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो आदि मानव है वो किस प्रकार भोजन ग्रहण करता था, तो उसके जो विभिन्न तरीके थे भोजन ग्रहण करने के, ठीक है, अपना भोजन किस प्रकार जुटाता था उसके बारे में। पहला था जो आदि मानव था पहली प्रक्रिया थी संग्रहण, यानी जो आदि मानव था वो संग्रहण के द्वारा, वो जंगलों में रहता था और जंगलों से पेड़ पौधे पादप कंद मूल जड़ बीज आदि एकत्रित करके अपना भोजन है जो जुटाता था। दूसरी वो शिकार करता था, शिकार के माध्यम से अपने भोजन की व्यवस्था करता था। तीसरा उसका कार्य था मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, और चौथा था
अपमार्जन, यानी वो अपमार्जन के माध्यम से भी अपना भोजन है जो ग्रहण करता था, संग्रहण के माध्यम से, शिकार के माध्यम से, मछली पकड़ने के माध्यम से और अपमार्जन के माध्यम से वो क्या है, भोजन ग्रहण करता था। यानी अपमार्जन जो त्यागी हुई वस्तुएं होती थी, जो त्यागी हुई वस्तुएं होती थी उनकी सफाई करना या भक्षण करना, ठीक है, यानी जो त्यागी हुई वस्तुएं थी उनकी सफाई करना और उनका भक्षण करना ही क्या होता था, अपमार्जन होता था, ठीक है, जो आदि मानव के द्वारा किया जाता था। इसके बाद में जो आदि मानव था उनमें संचार, भाषा और कला का विकास कैसे हुआ, यानी जो आदि मानव था उस समय जो सूचना प्राप्त करने के क्या माध्यम थे, कौन कौन सी जो उनमें कला थी और उनमें भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा के विकास पर इतिहासकारों के कई प्रकार के मत हैं। होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप, यानी होमोनिड जो मानव है, होमोनिड जो प्राणी है उसकी भाषा की बात करें तो कहते हैं कि अंग विक्षेप, उनके हाव भाव या हाथों का संचालन हिलाना, यानी वो हाथों के इशारे से ही भाषा समझते थे। दूसरा, उच्चारित भाषा से पहले गाने गुनगुनाने, यानी उच्चारित भाषा से पहले उन्होंने क्या है, जो गाने गुनगुनाते थे, ठीक है, जैसे मौखिक ए शाब्दिक संचार का प्रयोग होता था, इस प्रकार, ठीक है, होमिनिड जो मानव था उनमें भाषा का विकास देखने को मिलता है। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आत्वाहन या बुलाओं की क्रिया से हुआ था, यानी जो बुलाओं की क्रिया, उसके साथ जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है, प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का उपयोग करता था और धीरे धीरे ये ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में क्या है, विकसित हो गई। अब जो बोली जाने वाली भाषा है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ होगा। भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पहले हुआ। कब हुआ, जो भाषा थी, ठीक है, तो उसमें क्या है, आज से 20 लाख वर्ष पहले इसका विकास हुआ और स्तर तंत्र का जो स्वर तंत्र है, इसका जो स्वर तंत्र है उसका विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ। इसका संबंध खास तौर से क्या है, जो आधुनिक मानव है, ठीक है, स्वर तंत्र का विकास, इसका संबंध जो आधुनिक मानव है उससे संबंध है। आधुनिक मानव के समय में ही स्वर तंत्र का विकास है जो माना जाता है, जो कि लगभग आज से 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। अब जो आदि मानव था वो शिकारी संग्राहक समाज था, यानी यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, साथ में शिकार करते थे, साथ में आर्थिक क्रियाकलाप भी थे, कुछ कार्य ऐसे करते थे जिनके बदले में इन्हें अर्थ या इनकम होती थी, जैसे जंगलों में ये पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों को विनिमय, यानी उसका आदान प्रदान करते थे, विनिमय का अर्थ होता आदान प्रदान, व्यापार करना इत्यादि इनकी क्रियाओं में क्या था, शामिल था। हादजा लोग जमीन एवं उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते थे, इसके पास शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद ये लोग अपने भोजन के मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही क्या करते थे, निर्भर रहते थे और संभवतः इनके भोजन का 80% जो भाग है वो वनस्पति जन्य होता था, यानी वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से ही ये क्या है, अपना भोजन प्राप्त करते थे। अल्टामिरा की गुफा की विशेषताएं क्या है, अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा है। अल्टामिरा क्या है, कौन से देश में है, स्पेन देश में है, एक गुफा का नाम है, स्थल है यह गुफा, इसके छत पर बने चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जो हमारे जो प्राचीन मानव है, ठीक है, उनके बारे में हमें बताती है। इनकी चित्रकारियों में रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है और यह चित्रकारियां बहुत ही पुरानी है परंतु देखने में ये आधुनिक लगती है, जिस पर पुरातत्व विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में हिम युग का प्रारंभ हो जाता है। हिम युग का आरंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ।
इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए, जिससे जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास या मैदानों का क्षेत्रफल भी क्या है, बढ़ गया। और इसके बाद में हिमयुग का जब अंत होता है, लगभग 13,000 वर्ष पहले जो हिमयुग था उसका अंत हुआ, और जिसमें मनुष्यों में अनेक परिवर्तन आए, जैसे मनुष्य ने क्या है धीरे धीरे खेती करना शुरू कर लिया, और खेती के साथ साथ उसने पशुपालन इत्यादि को भी पालना शुरू कर लिया। तो प्यारे बच्चों, हमने आज ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एम होमो में अंतर और आदि मानव के भोजन की प्रक्रिया और उनमें संचार, भाषा, कला का जो विकास कैसे हुआ उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।